हेलो दोस्तों, वेलकम टू द फैंटेसी वर्स, द वर्ल्ड ऑफ फैंटेसी एंड मैजिक। लॉर्ड ऑफ द रिंग एंड द रिटर्न ऑफ द किंग मूवी के लास्ट में हम देखते हैं कि फ्रूडो, बिल्बो, गैंडाल्फ और बाकी कुछ एल्फ मिडल अर्थ को छोड़कर चले जाते हैं। ये देखने के बाद आपके भी दिमाग में एक ख्याल आया होगा कि आखिर इन सभी ने मिडल अर्थ को क्यों छोड़ा और वो लोग कहाँ पर चले गए। तो आज की इस वीडियो में हम इसी बारे में पूरी डिटेल में जानेंगे, इसीलिए अपने हेडफोन्स तैयार रखो क्योंकि ये फैंटेसी जर्नी बहुत ही ज्यादा मजेदार होने वाली है। लेकिन उससे पहले, अगर आपको हैरी पॉटर सीरीज के विजर्डिंग वर्ल्ड और लॉर्ड ऑफ द रिंग सीरीज के मिडल अर्थ से रिलेटेड वीडियोस देखना पसंद है तो आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि लॉर्ड ऑफ द रिंग सीरीज में हमने जिस अर्थ को देखा था उसका नाम है आर्डा। और आर्डा पर वैसे तो बहुत सारी कॉन्टिनेंट है जिनकी काफी डीप स्टोरी है, लेकिन अभी के लिए आप बस इतना जान लो कि आर्डा में दो मेन कॉन्टिनेंट है। एक है मिडल अर्थ, जिसमें लॉर्ड ऑफ द रिंग और हॉबिट सीरीज के सभी इवेंट्स हुए थे, और दूसरी कॉन्टिनेंट है आमान, एक बहुत ही पीसफुल और हेवन की तरह एक जगह है जहाँ वेलार, मायार, कुछ स्पेसिफिक एल्फ रहते हैं, और फ्रूडो, गैंडाल्फ और बाकी एल्फ भी आमान कॉन्टिनेंट पर ही गए थे। लेकिन अब क्वेश्चन उठता है कि क्यों। ये जानने से पहले कि फ्रूडो ने मिडल अर्थ को क्यों छोड़ा, हम पहले ये जान लेते हैं कि गैंडाल्फ, बिल्बो और बाकी एल्फ ने मिडल अर्थ को क्यों छोड़ा था। सबसे पहले हम चलते हैं गैंडाल्फ पर। गैंडाल्फ की स्टोरी लॉर्ड ऑफ द रिंग सीरीज और हॉबिट सीरीज से बहुत ही पहले स्टार्ट हुई थी। गैंडाल्फ एक मायार थे जो कि एक गॉड लाइक बींग होते हैं। दरअसल यूनिवर्स के बनने से पहले ईरू एल्वटार ने, जो कि J.R.R. टॉल्किन्स के यूनिवर्स के सबसे सुप्रीम गॉड है, और उन्होंने ही यूनिवर्स, आर्डा और सभी चीजों को बनाया है, और उन्हीं ने आइनूर्स नाम के गॉड लाइक बींग्स को बनाया था। जहां आइनूर्स में दो कैटेगरी होती है, एक अपर कैटेगरी के और दूसरे लोअर कैटेगरी के, और उन्हीं लोअर कैटेगरी वाले गॉड लाइक बींग्स को मायार कहा जाता है, और गैंडाल्फ भी मायार थे, और इसी वजह से गैंडाल्फ को मिडल अर्थ के लोगों की हेल्प करने के लिए भेजा गया था ताकि वो डार्क लॉर्ड सौरोन को हरा सके। और इसीलिए सौरोन के हारने के बाद जब गैंडाल्फ का टास्क कंप्लीट हो गया तो उन्होंने मिडल अर्थ को छोड़ दिया। हालांकि मूवी जिन्होंने देखी होगी वो यहीं से सेटिस्फाई हो जाएंगे, लेकिन बुक में एक इवेंट और हुआ था जिसे मूवी ने पूरी तरह से मिस कर दिया। सौरोन के हारने के बाद और वेलिनूर यानी कि आमान जाने से पहले गैंडाल्फ टॉम बेम्बार्डल नाम के एक मिस्टीरियस फिगर से मिलने जाते हैं जो कि वैली ऑफ विदरलैंड में रहा करते थे। हालांकि अगर आपने बुक्स नहीं पढ़ी होगी तो आपने टॉम का नाम पहले नहीं सुना होगा। टॉम बेम्बार्डल एक बहुत ही मिस्टीरियस करेक्टर थे। हालांकि J.R.R. टॉल्किन्स ने इस करेक्टर के बारे में बहुत ज्यादा डिटेल्स प्रोवाइड नहीं की है, लेकिन गैंडाल्फ को महसूस हुआ था कि टॉम की एडवाइस लेना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, इसीलिए बहुत टाइम तक गैंडाल्फ टॉम के साथ ही समय बिताते हैं। लेकिन हमें नहीं पता कि आखिर उन दोनों ने इतने टाइम तक क्या बातें की। हालांकि गैंडाल्फ ने एक बारी मेंशन तो किया था कि टॉम तब से जिंदा है जब से ये वर्ल्ड बना है, और इसीलिए बहुत सी थ्योरीज हैं कि टॉम ही ईरू एल्वतार हैं। और इस इवेंट के होने के बाद गैंडाल्फ मिडल अर्थ को छोड़ देते हैं और वेलिनूर चले जाते हैं। अब बात करें बाकी एल्फ्स की, जिन्होंने मिडल अर्थ को छोड़ा था, तो उनके लिए भी सेम यही है कि उनका भी टाइम कंप्लीट हो चुका था। हालांकि एल्फ्स भी इमॉर्टल होते हैं, लेकिन इसके बाद भी उन्होंने डिसाइड किया वेलिनूर जाने का और अपनी जिंदगी को पीस में गुजारने का। अब यहाँ तक तो हमें सबका समझ आता है कि उन्होंने मिडल अर्थ को क्यों छोड़ा, लेकिन फ्रूडो ने मिडल अर्थ को क्यों छोड़ा, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो सभी फैंस को बहुत ही ज्यादा परेशान करता है, क्योंकि फ्रूडो की एज भी ज्यादा नहीं थी और उसके सभी दोस्त शायर में रह रहे थे। इसके बाद भी उसने मिडल अर्थ को क्यों छोड़ा, चलिए ब्रेकडाउन करते हैं। दरअसल रिंग को डिस्ट्रॉय करने के बाद और सौरोन के हारने के बाद फ्रूडो अपने घर शायर चले जाता है, और कुछ टाइम अपने दोस्तों के साथ बिताने के बाद वेलिनूर जाने के लिए एल्फ्स के इनविटेशन को एक्सेप्ट कर लेता है। हालांकि एल्फ्स का फ्रूडो को इनवाइट करने का रीजन बिल्कुल क्लियर था, क्योंकि फ्रूडो ने बहुत ही इंपॉर्टेंट टास्क को कंप्लीट किया था, और फ्रूडो ने उनके इनविटेशन को अपनी फिजिकल इंजरीज और मेंटल हेल्थ की वजह से एक्सेप्ट किया था, क्योंकि रिंग को डिस्ट्रॉय करने की जर्नी में फ्रूडो को बहुत सी इंजरीज हुई थी। जैसे विच किंग ने जब फ्रूडो को तलवार से मारा था तो वो बहुत ही फेटल इंजरी थी। साथ ही मॉर्डोर की तरफ जाते हुए जाइंट स्पाइडर सेलब ने भी उसे डंक मारा था, और फ्रूडो की ये इंजरीज पूरी तरह से ठीक नहीं हुई थी, और उसी के साथ उसे रिंग की वजह से बहुत सा मेंटल ट्रॉमा भी हुआ था, और इसी वजह से फ्रूडो को वेलिनूर जैसी जगह की जरूरत थी जहां उसे शांति मिल सके और वो जल्दी से रिकवर हो सके।
और इसी वजह से फ्रूडो ने मिडल अर्थ को छोड़ा था। अब आज की हमारी इस वीडियो का क्वेश्चन, लॉर्ड ऑफ द रिंग सीरीज के मिडल अर्थ के उन 5 विजर्ड्स के नाम क्या थे? देखते हैं कौन सबसे पहले सही जवाब देता है। अब अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब अगर आप हैरी पॉटर सीरीज के विजर्डिंग वर्ल्ड की मिडल एज की सबसे डार्क विच के बारे में जानना चाहते हैं तो राइट वाली वीडियो देखें। और अगर आप जानना चाहते हैं कि क्या होता अगर डेडली हैलोज में हैरी को स्नेप की मेमोरी नहीं मिलती तो लेफ्ट वाली वीडियो देखें।